राम राम सारा ने। आज हम अपने एक ट्रिप कह लो, उपाय कह लो, बताएंगे आपने एक उपाय। देसी से स्टाइल में हम सरसों का तेल खाते हैं, तो सरसों के तेल में बीजी सा घी खाओ तो घी कैसी महक, तेल खाओ तो तेल कैसी महक, पर उसमें थोड़ी सी महक कम हो जाए है। तो हम इस तरह से, जैसे तेल गर्म हो गया ना हमारा, तो हम इसमें ये हमने इसमें डाल दिया है, वो आपने दिखा नहीं पाए थे इसलिए अब बता रहे हैं। तो इसमें इतना, जैसे ये इतना तेल है तो इतना नमक डाल दे। अगर आप छोंक में इस्तेमाल कर रहे हो तो छोंक में एक चम्मच में एक चुटकी डाल दे, तो उसमें जो खुशबू हो कम हो जाएगी, क्योंकि ये देसी तेल है, सरसों का घर का कढ़ाया ओढ़, तो इसमें खुशबू तो आनी आनी है, तो वो खुशबू थोड़ी कम हो जाए, जो तेल की महक है वो कम हो जाए। दूसरी चीज़ और एक दिखावेंगे आपने, जब भी हम पूरी तार रहे हों तो हमारा, एक तो पहली बात तो हमारा तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, दूसरा हम इस तरह से पूरी छोड़ के और इसको इस तरह से लाएंगे ना, तो एकदम बढ़िया पूरी आओगी। ये देखिए देखिए, इस तरह से तेल को इस तरह से लाए जाओ, देखिए फूल गई ना बिल्कुल। दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एक तो तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, दूसरा ये निकाल लेंगे, देखिए एकदम लाल है ना बिल्कुल। और दूसरा हम अपनी जो कड़छी है उसने हिलाए जाएंगे, और तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी पूरी बनी है, देखिए हमारी एकदम फुली हुई पूरी है ना बस। और हम बिल्कुल भी मोम नहीं डालते, बिल्कुल भी, ये देखिए। और ये हमने आटा यूज कराया है, इसकी पूरी बनाई है इस आटे की हमने, देखिए बिल्कुल भी मोम नहीं डालते, एकदम बढ़िया कती बिल्कुल नरम, देखिए कती नरम पूरी है। ये बाप नहीं बुझोगे मोम क्यों है, तो मोम वो है जो आटा गूंथन तो पहला तेल जो गिरते हैं ना, उसने हमारी भाषा में मोम कया करे। देखिए हमारा आटा एकदम मुलायम है कती बिल्कुल, देखिए आटे में थोड़ी मेहनत लगा ले तो उस तेल की जरूरत नहीं पड़े, एकदम नरम पूरी आवेंगी कती। अच्छा जी, राम राम, लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो, सहयोग दियो अपना, धन्यवाद होगा आपका।